हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा। स्वागत करती हूँ मेरे किचन में आप सबका। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूखे उजले मटर के छोले, जिससे आप पूरी, पराठा, भटूरे, चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। इससे आप चाट भी बना सकते हैं। दो समोसा तोड़े, थोड़े दही डाले, थोड़े प्याज बारीक कटे हुए, थोड़ा सा टमाटर और मिक्सर डाले। मस्त स्पाइसी चाट तैयार। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करती हूँ। यहाँ पे 250 ग्राम उजला मटर ओवरनाइट भिगोया हुआ हमने यहाँ लिया है, दो लहसुन का पोट, एक प्याज, कुछ लहसुन की कलियाँ, दो टमाटर, दो हरी मिर्च, एक तेजपत्ता, दो अदरक के छोटे टुकड़े, हल्दी पाउडर छोटी चम्मच, नमक हल्का सा डाले इससे, क्योंकि इसे बॉईल करना है, एक सीटी लगाना है। इसे हम उबाल लेंगे। अब यहाँ पे ग्रेवी के लिए हम चॉपर में प्याज टमाटर को चॉप कर लेंगे। इसे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। आज हम मिक्सर जार में पेस्ट तैयार नहीं करेंगे, आज चॉपर में ही तैयार करेंगे। इसकी ग्रेवी डिफरेंट बनती है। अब यहाँ पे बॉयल हो चुका है मटर, देखिए कितना अच्छा कलर खिल के आया है। अब यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल हमने लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड घी, बटर, जो भी चाहे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जीरा डालें, मिर्चा, तेजपत्ता, दो इलायची बड़ी छोटी, चॉप किया हुआ टमाटर, प्याज ऐड करेंगे, सारे बाकी को भी इसमें ऐड करेंगे, धनिया पाउडर छोटी चम्मच, मिर्ची पाउडर छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर छोटी चम्मच, गरम मसाला एक चम्मच छोटी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च एक चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। अब इसे अच्छे से चलाएंगे। इसे अच्छे से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे। थोड़े से पानी इसमें और ऐड करेंगे, उसी चॉपर जार में जो बचा हुआ है सारे को डाल देंगे। अब यहाँ तैयार हो चुका है ग्रेवी, अच्छे से लाल हो चुका है पूरा पक के। अब इसमें बॉईल किए हुए मटर को डालेंगे। फ्रेंड्स, इसका कलर देखिए, अभी आधे तैयार हुआ है, इसका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसमें दो सीटी लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे, ये अच्छे से पक जाए पूरा मटर। अब यहाँ तैयार हो चुका है छोला, देखिए कितना अच्छा खूबसूरत छोला बन के तैयार हुआ। वाओ, एकदम चिकन मटन भी फेल है इसके आगे। फ्रेंड्स, इसे ज़रूर ट्राई करें। तैयार है यहाँ स्पाइसी मसालेदार छोला, मटर छोला। इसे पूरी पराठा के साथ परोसें, इसे ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।